यदि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन यदि आप गरीब घर में मर गए तो आपके सिवा कोई जिम्मेदार नहीं। नमस्कार, मैं संदीप यादव, पोषण ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन के बारे में। तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में देख रहे थे, तो उसमें देखे थे टाइम डिपेंडेंट फॉर्म के लिए और इनडिपेंडेंट फॉर्म के लिए, ये सभी बातें देखे थे। तो जिसमें जो साई था वो एक वेव फंक्शन है, जो मतलब जो फंक्शन किसका है, एक्स और टी का। तो उसको सब पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो साई है ये फंक्शन है एक्स और टी का, जहाँ पर एक्स पोजीशन को बताता है और टी टाइम को। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर हमने जो टाइम इनडिपेंडेंट फॉर्म के लिए देखी थी, इनडिपेंडेंट के लिए वो क्या थी, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई इक्वल टू ई साई। और डिपेंडेंट फॉर्म के लिए क्या थी, डिपेंडेंट के लिए क्या थी, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, ये हमने देखा था। और एक मोमेंटम ऑपरेटर जहाँ पर पी एक्स क्या था, पी एक्स था माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। और हमने देखा था कि पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी इंटू साई इक्वल टू था ई साई। तो हमने इसको क्या कर दिया था, एच साई इक्वल टू क्या लिखा था, ई साई, जहां पर यह बराबर कितना है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। ठीक, और यहाँ एच को बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, या फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सिस्टम भी बोला जाता है। हैमिल्टोनियन ये ऑपरेटर होता है। और हमने देखा था प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में देखा था, ये वो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया था, रो बराबर था साई स्टार साई, और जे बराबर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी थी एच क्रॉस अपॉन 2m आई साई स्टार डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू साई। और हमने ये देखा था जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो फाइंड की जाती है किसी भी एनी स्टेट में कोई भी पार्टिकल रहता है, तो उसके लिए रो बराबर कितना था, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफिनिटी साई स्टार साई, यहाँ डी टाउ, या आप जिस भी डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, अगर एक्स में देख रहे हैं तो dx हो जाएगा, या वैल्यू कितनी होती है, 1 होनी चाहिए। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो वगैरह में बात कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन किसे कहते हैं, और इसको इस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, या आप कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, तो या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके क्वांटम मैकेनिकली मैकेनिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन को या फिर कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जो वेव फंक्शन यदि उन कंडीशन को फॉलो करता है तो उस फंक्शन को बोलेंगे वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, या फिर क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए जो साई है, साई क्या है, वेव मतलब ये बताता है, साई जो फंक्शन है एक्स और टी का है, तो यही देखना है कि साई को हम लोग कब कहेंगे वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। ठीक, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे पहली कंडीशन ये है कि द वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस
इज कंटिन्यूअस एंड मस्ट हैव सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू। अब इस चीज को समझते हैं, मतलब जो साइज की जो वैल्यू होनी चाहिए वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि उसकी कई सारी वैल्यू है साइज की, वो एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। और जो साइज जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो कैसे फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूस वेव फंक्शन होना चाहिए। यदि जैसे मान लीजिए अगर सिंगल वैल्यू के बारे में बात करें, जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर अगर दिया है, एक्स स्क्वायर यदि दिया है 16, तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आती है प्लस माइनस 4 आती है, ठीक, मतलब एक्स बराबर 4 एंड माइनस 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स की कितनी वैल्यू आती है, 4 एंड माइनस 4। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साई के साथ, साई की एक क्यों सिंगल वैल्यू होनी चाहिए तभी मतलब सही रहेगा, मतलब या फिर कुछ जो जो भी कंडीशन फॉलो होंगी तभी कहेंगे जो फंक्शन दिया है वो हमारा वेल बिहेव बिहेव फंक्शन है। एक साई की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा है कंटिन्यूस वेव फंक्शन होना चाहिए। अब इसको समझते, जैसे सपोज है अगर एक ग्राफ के थ्रू समझे, तो मान लीजिए कोई एक वेव फंक्शन दिया है, मान लीजिए यही है, ठीक, तो यहाँ पर ये x है और इधर साई है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस वेव फंक्शन है, ठीक। और यहाँ पर अगर सपोज दैट किसी x पर, जो x है सपोज दैट अगर हम लोग x बराबर a पर बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हमको साई की, किसी x बराबर a पर साई की एक हमको वैल्यू मिलेगी जो कि सिंगल वैल्यू होगी, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो किसी कोई दूसरी साई की वैल्यू होगी, मतलब हमको साई की एक सिंगल वैल्यू मिल रही है किसी एक्स पर, किसी एक पोजीशन पर देख रहे हैं तो एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। और ये जो फंक्शन दिया गया है, ये जो वेव फंक्शन है, यह एक कंटिन्यूस वेव फंक्शन है, तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर मान लीजिए यह अगर ये ऐसे ना हो के अगर इस टाइप में रहे, जैसे अब मान लीजिए कोई ऐसे है और दूसरा मान लीजिए ऐसे है, तो इस ये जो फंक्शन या जो ग्राफ जो दिया गया है ये कंटिन्यूस वेव फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो इस कंडीशन में जो साई है ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और यदि हम लोग दूसरे तरीके में देखें, अगर सिंगल वैल्यू के लिए बात करें, इधर देखें साई है, इधर एक्स है, अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस टाइप में आ गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक्स बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स बराबर मान लीजिए या बी है, तो इस पोजीशन पर हमको साई की एक यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी और दूसरी इसी चीज में यहाँ पर देखिए तो एक वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में जो साई की एक सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पर डबल वैल्यू मिल जाती है, तो इसलिए जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए और जो फंक्शन है वह कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तो उस कंडीशन, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई साई के लिए, वह जो फंक्शन होना चाहिए वह कंटिन्यूस वेव फंक्शन होना चाहिए और साई की एक मतलब सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक। और दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है, दूसरा है जैसे द वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट एंड ऑल्सो द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यू एंड फाइनाइट। ठीक, तो जो वेव फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू दे, ये नहीं कि वो इनफाइनाइट दे, जो साइज जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वह एक फाइनाइट वैल्यू दे
और उस साई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, जैसे जो पार्शियल डेरिवेटिव, सपोज दैट डेल साई अपॉन डेल टी, सॉरी डेल साई अपॉन डेल एक्स, या फिर डेल साई अपॉन डेल वाई, मतलब जिस भी आप डायरेक्शन में बात करें एक्स वाई जेड किसी में भी, डेल साई अपॉन डेल जेड, ये जो होना चाहिए, जो पार्शियल जो इसका जो डेरिवेटिव है, या भी जो फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, दूसरा ये भी एक सिंगल वैल्यू दे और फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक, और एक जो वेव फंक्शन है ये तो फाइनाइट वैल्यू देना ही चाहिए। तो ये तो हो गई दूसरी कंडीशन, मतलब इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है यह भी कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यू दे और फाइनाइट दे। और तीसरा देखते हैं, तीसरा है द वेव फंक्शन मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, स्क्वायर इंटीग्रेबल दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई डीएक्स, ये जो वैल्यू होनी चाहिए यह पॉजिटिव होनी चाहिए एंड फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यदि ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि मतलब जो साई है वो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए और कंटिन्यूस वेव फंक्शन होने से चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा फर्स्ट डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस सिंगल वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू दे, और इसका जो स्क्वायर इंटीग्रेबल माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, या जिस भी आप डायरेक्शन में बात करें, अगर वाई के लिए बात करें तो डी वाई हो जाएगा, या फिर यहाँ पर डी टाउ भी लगा सकते हैं, वो किसी के लिए जनरल के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ पर उसका भी यूज किया जा सकता है। ये भी जो वैल्यू मिलनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए और फाइनाइट। तो यदि ये सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वह वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग जो साई होगा, जो भी हमारा जो वेव फंक्शन दिया गया है वह मतलब वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। अब हम लोग इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें उससे फिर और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, या फिर पहले लिख देते हैं, चेक द वेव फंक्शन, वेव फंक्शन इज क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल और नॉट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, साई आपको दिया है e पावर आई के एक्स, जिसके लिए जो लिमिट दी गई है, पहली लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड और दूसरे के लिए हम लोग बात कर लेते हैं माइनस ए टू प्लस ए के लिए। तो इसके लिए देखेंगे कि जो वेव फंक्शन है, या मतलब वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है कि नहीं, या फिर इसको कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए, देखते हैं जो वेव फंक्शन दिया गया है या एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें
क्या होगा, ये देखिए साई गिवन है e पर i के x, तो साई स्टार क्या होगा, साई स्टार बस e पर माइनस i के x हो जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले लास्ट वीडियो में हम बात किए हैं कि साई स्टार जहां पर आयोटा i है बस उसका साइन चेंज हो जाता है, यहां पर प्लस है तो साई स्टार, तो माइनस हो जाएगा माइनस i के x। ठीक, तो ये हमको दिया और लिमिट कितनी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो इसके लिए देखना है कि जो वेव फंक्शन है ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, ये देखेंगे कि ये कैसे मतलब वैल्यू देता है। यदि वो सभी कंडीशन फुलफिल होंगी तो कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, यदि नहीं फुलफिल होंगी तो ये जो वेव फंक्शन होगा ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए साई स्टार की वैल्यू कितनी है e पावर i के x, तो यहाँ इसमें रख देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई स्टार की जगह लिख देंगे e पावर माइनस i के x इंटू साई की जगह क्या रहेगा e पावर i के x आई के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, देखिए एक पावर ये जीरो हो जाएगा, एक पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, और तो वन नहीं लिखते तो केवल बचेगा क्या डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और लिमिट हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, और फिर यहाँ पर माइनस लगता है लेकिन यहाँ पर ये माइनस होने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हमको मिल रही है एक यह एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इस कंडीशन के लिए जो हमको जो वेव फंक्शन दिया गया है यह क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है द गिवन वेव फंक्शन is not quantum mechanically acceptable, यह क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमको यह एक कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक, यदि फाइनाइट वैल्यू मिलती है पॉजिटिव मिलता तब तो यह रहता कि यह एक जो वेव फंक्शन है या वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है, लेकिन इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो मतलब जो वैल्यू मिल रही है वो इनफाइनाइट मिल रही है, तो इसलिए जो वेव फंक्शन है यह क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम लोग दूसरी जो लिमिट हमने लिखी है माइनस ए टू प्लस ए के लिए देख लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इतनी चीज तो ऐसे बस ये लिमिट केवल चेंज हो जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि जो लिमिट है अब हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं माइनस ए टू प्लस ए के लिए, तो यहां पर माइनस ए टू प्लस ए हो जाएगा, साई स्टार की वैल्यू यही रहेगी e पावर माइनस आई के एक्स, और यही सेम इसको लिख देंगे ये हो जाएगा माइनस ए टू प्लस ए, साई स्टार की जगह हो जाएगा e पावर माइनस आई के एक्स इंटू e पावर आई के एक्स और डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए टू प्लस ए, यह वैल्यू हो जाएगी वन क्योंकि e पावर जीरो हो जाएगा और डी एक्स बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, लिमिट हो जाएगी माइनस ए टू प्लस ए, ये हो जाएगा टू ए हो जाएगा। ठीक, फिर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट हो जाएगी ये ए, फिर यहाँ पर माइनस लगता है तो यहाँ पर ये माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू जो मिल रही है यह हमको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है और पॉजिटिव भी है, तो इसलिए ये जो वेव फंक्शन जो है यह वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है या फिर क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है। तो द वेव फंक्शन
the wave function is quantum mechanically acceptable. तो ये जो वेव फंक्शन है यह क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बस क्या करें कि e पावर माइनस आई के एक्स के लिए देखते हैं उसके लिए क्या होगा और लिमिट यही रहने देते हैं। तो ये काफी इजी टॉपिक है, बस केवल कुछ कंडीशन यदि फुलफिल हो रही हैं तो ये जो वेव फंक्शन हमको जो दिया गया है वो वेल बिहेव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे अब हम लोग देखेंगे जो साई की वैल्यू लेते हैं माइनस आई के एक्स के लिए तो लिमिट यही रहने देते हैं, तो साई स्टार क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार आई के एक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस लिमिट के लिए बात करते हैं, लिमिट कितनी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स। ओके, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और साई स्टार की वैल्यू कितनी है, इक्वल आई के एक्स इंटू इक्वल माइनस आई के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये जो वैल्यू मिलेगी ये क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ये वैल्यू आएगी x और लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर भी हमको इन्फिनिटी ही मिलेगी। तो मतलब ये जो वेव फंक्शन दिया गया है ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमको जो वैल्यू मिल रही है वो फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अगर हम लोग इस कंडीशन के लिए देखते हैं इसके लिए क्या होगा, सेम वही चीज़ है क्योंकि इसमें जैसा इसके लिए भी क्या हो जाएगा क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल होगा, बस यहाँ पर लिमिट चेंज कर दीजिए क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, बस कर लेते हैं माइनस ए टू प्लस ए हो जाएगा और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी माइनस ए टू प्लस ए, साई स्टार की वैल्यू कितनी है, ई पावर आई के एक्स इंटू ई पावर माइनस आई के एक्स इंटू डी एक्स, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ए टू ए एंड डी एक्स, दिस वैल्यू इज एक्स एंड लिमिट इज माइनस ए टू प्लस ए एंड यू कैन फाइंड दैट टू ए। ये जो टू ए आया यह एक फाइनाइट वैल्यू है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सेम वही आंसर आया, यदि जो होगा यह क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा जो भी हमको दिया गया है, क्योंकि यह एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो यह एक क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल होगा या फिर कह सकते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।